एवरी वन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज PhD एडमिशन में हम डिस्कस करने वाले हैं AKU PhD एडमिशन टेस्ट के बारे में, जिसको PAT भी कहा जाता है। 2021 के लिए टेस्ट है और यहाँ पर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है इसकी 19th of Feb। तो चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल्स। तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जाना है dynamicstudy.com, और उसके बाद आपको क्लिक करना है PhD एडमिशन पर। तो ये जो AKU है, ये है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ये पटना में है और इन्होंने PhD एडमिशंस को ओपन किया है। इसमें आपके सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो मेडिकल साइंस है, डेंटिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है एंड एजुकेशन है। तो एजुकेशन इंजीनियरिंग में भी आप यहाँ पर एडमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो अलग अलग, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो एटलीस्ट 55% मार्क्स यहाँ पर बोला गया है हर एक सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट है उसमें हर सब में 55% मार्क्स ही है। और जो लोग नेशनल लेवल का कोई एग्ज़ाम, जिनके पास स्कोर कार्ड है किसी नेशनल लेवल एग्ज़ाम का, वो इससे एग्जेम्प्टेड हैं। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल दी गई है। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें, 1500 रुपीज़ है इसकी एप्लीकेशन फ़ी। SC ST और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपका देखिए पेपर 1, पेपर 2 एंड इंटरव्यू, ये 3 होगा आपका। एंड पेपर 1 100 मार्क्स का होगा, पेपर 2 100 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा। तो मोड भी इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, ऑफलाइन मोड होगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के जो सिलेबस होते हैं वही सेम सिलेबस यहाँ पर होगा। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कर लेते हैं। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन एंड इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको लिंक पे क्लिक करना होगा। थैंक यू सो मच।